हेलो भाई, नमस्कार। मैं भी यार आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर आपके लिए, सभी के लिए मैं एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको जो 50% डीए होने वाला है उसके बाद में पर मंथ जो आपकी पेंशन बनेगी, और उससे पहले जो मार्च की पेंशन आएगी वो कितनी आएगी, फिर अप्रैल में जो पेंशन आने वाली है वो कितनी आएगी, और फिर 3 महीने का जो डीए है, डीए का जो एरियर है वो कितना आएगा, ये सीरीज में मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। और ये पूरा जो डाटा मैंने उठाया है, ये पहले यहाँ इसको सर्कुलर नंबर 666 का डाटा यहाँ मैंने पहले उसको टाइप किया है, और वो ROP2 का जो बेसिक है, इसके बाद में इससे यहाँ फिल्टर करके मैंने यहाँ आपको मैं टेबल बना के दे रहा हूँ, जिसमें मैं पहले जो इससे पीछे वाली जो वीडियो है इसमें सिपाही सर की एक्स बाई ग्रुप की पूरी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 0.5 से लेके और 28 साल तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोनों ग्रुप, एक्स ग्रुप भी और यहाँ पर आपका बाई ग्रुप भी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसको देख लें एक बार, या फिर इस वीडियो भी को आप पूरी देखेंगे तो भी समझ पाएंगे, क्योंकि क्योंकि मित्रों देखिए, जो ओनली नायक होते हैं उनकी भी तो टेबल देनी ना आपको, तो ओनली नायक जो भी हैं एक्स वाई ग्रुप के, उनकी और सिपाही जो हैं एक्स वाई ग्रुप की, दोनों की जो पेमेंट है वो बराबर है। तो आप लोग यहां पर एक बार विजिट कर सकते हैं, ये एक्स ग्रुप है, 40% डीए कितना बनता है, मार्च की पेंशन कितनी आएगी, 50% डीए कितना बनेगा इसका बेसिक का, और इसके बाद में यहां पर अप्रैल की पेंशन कितनी आएगी, डिफरेंट कितना निकल गया है, डीए कितना बनेगा, ये मैंने आपको एक्स ग्रुप का दिखाया है। तो आप लोग इसको वीडियो को आप लोग पॉज करके अपनी जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मैच कर लें, मिला लें, सिपाही और ऑनरी नायक जो भी हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये बाई ग्रुप का मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, ये बाई ग्रुप का आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ। इधर देखिए, ये बाई ग्रुप का डाटा है, ये सिपाही सर का और ओनली जो भी नायक है उनका। तो आप लोग मैच कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना पूरा जो भी डाटा है वो आप लोग दोनों जो रैंक है वो मैच कर लो। और मैं आगे आने वाले समय में ना जो भी फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बनाऊंगा कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको कितनी 50% डीए के बाद में मंथली जो पेंशन है वो कितनी मिलनी चाहिए, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है नायक ऑब्लिक नायक टीएस और जो भी ओनली हवलदार हैं, अब इसमें रैंक आ गई कितनी, 3, नायक, नायक टीएस, ओनली हवलदार, ये तीनों रैंक के लिए ये टेबल मैंने यहां तैयार करी है। एक्स वाई ग्रुप दोनों को आपको समझाऊंगा, तो पहले एक्स ग्रुप को समझाऊंगा फिर वाई ग्रुप को। तो आप लोग जो भी 0.5 से हैं तो वो मैच करते जाएं, आप लोग देखते जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो फिर उसको ना बहुत सारे लोग, देखिए जिसकी काम की है तो वो तो पॉज करके भी देख लेगा, बच्चों से सुनवा लेगा, जो भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन होंगे वो बच्चों से कह देंगे कि भाई इसको एक बार पढ़ के सुना दो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो बता देंगे। मोस्टली क्या होता है कि 15 साल के बाद ही क्वालिफाइंग ज्यादातर जो क्वांटिटी होती है, जो भी यहां पर रिटायरीज होते हैं, वेटर्न्स होते हैं, तो वो 15 साल के बाद ही वीडियो पर ज़्यादा टाइम डिपेंड करते हैं और स्पेंड करते हैं टाइम को। तो यहाँ से आगे देखिए, इसमें क्या है कि 15 से लेके 23,560 की बेसिक है, उसका आप अगर मान लीजिए 40% डीए निकालते हैं तो वो 10,838 बनता है, और फिर जो भी आपको मार्च में पेंशन मिलने वाली है वो 34,938 मिलने वाली है 15 से लेके,
और ये डाटा आपका पूरा 28 साल तक का बराबर है, 15 साल से लेके और 28 साल तक का 23,560 ही है बेसिक। इसका डीए 40% 10,838 बनता है। दोनों को मिलाकर मार्च में जो भी पेंशन आपकी आने वाली है वो 34,398 आने वाली है। इसके बाद में यहां पर अगर इसका हम 50% डीए निकालते हैं तो वो 11,780 बनता है। अप्रैल में जो पेंशन आएगी वो 35,340 आएगी, क्योंकि उसमें एक महीने का डीए जो है वो जुड़ के आएगा 11,780 का। दोनों का अंतर निकालते हैं, इसका और इसका, तो यहां पर 942 निकल के आता है और इसके हिसाब से इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं कितने का, तीन का, तीन महीने का एरियर निकालने के जनवरी फरवरी मार्च, तो वो 2827 रुपए का आपका एरियर आएगा। तो ये जो थी वो एक्स ग्रुप की टेबल है। अब मैं आपको यहां पर वाई ग्रुप के बारे में समझाता हूं। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, देखो ये जो वाई ग्रुप का है 0.5 से लेके बता रहा हूं और आगे तक आप लोग ये 10 वर्ष 11 11.5 14.5 15। तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कि जो भी 15 साल से लेके जो डाटा है ये आप देखिए बाई ग्रुप, बाई ग्रुप में जो भी 15 साल से डाटा है आप लोग उसको यहां चेक करिए। बाई ग्रुप वालों की जो बेसिक है वो है 20,107 15 साल वालों की। इस पर 46% जो डीए है वो है 9,249 रुपए और इनको दोनों को जोड़कर जो भी पेंशन बनती है वो 29,356 बनती है, जो मार्च में आपकी पेंशन आएगी। इसके बाद में अप्रैल में जो भी 50% डीए है वो 10,054 रुपए होगा और टोटल जो पेंशन आएगी वो 30,161 आएगी अप्रैल में। डीए जो आएगा वो 804 रुपए का बनेगा महीने का और तीन महीने का वो 2,413 रुपए 2,413 रुपए बनेगा। इसके बाद में ये जो बेसिक है वह 17.5 साल तक बराबर है, ये जो बेसिक है 15 साल से लेके और 17.5 साल तक बराबर है। तो इनका जो भी डीए है, जो भी बेसिक है, जो भी पेंशन है, जो भी एरियर है, वो सब बराबर ही रहा। 18 साल वालों का थोड़ा अलग है, 20,307 रुपए बेसिक है तो इसका अगर हम 40% डीए निकालते हैं तो वो 9,341 बनता है और इनकी जो भी पेंशन बनती है मार्च की वो 29,648 बनती है। और यहाँ पर 50% निकालते हैं इसका तो वो 10,154 बनता है और इसकी अप्रैल की जो पेंशन बनती है वो 30,461 बनती है और इनका जो एरियर का अमाउंट बनता है वो 3,437 रुपये बनता है, 2,437 बनता है। वो मिस्टेक से कह गया था मैं 2,437। इसके बाद में हम लोग 18.5 से लेके और 20 साल तक देखते हैं तो वो सेम इनका बेसिक है जो कि 20,969 रुपये, जिसका 40% डीए 9,640 है और जो भी पेंशन आएगी मार्च की वो 30,615 आएगी। 50% डीए वो 10,485 है, अप्रैल की जो पेंशन आएगी 31,454 आएगी और 839 इनका अमाउंट बनेगा और एरियर जो बनेगा 2,516 रुपये बनेगा, जो 20 साल तक है, 18.5 से 20 साल तक है। इसके बाद में यहां पर 20.5 से 22.5 साल तक एक ही बेसिक है 21,244। इसका अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो 9,772 बनता है और इसकी जो पेंशन है इनकी जो भी मार्च की है तो 31,016 रुपए बनती है। 50% डीए निकालते हैं तो 10,622 रुपए बनता है और जो अप्रैल की पेंशन है
वो 31,866 बनती है, और जो डीए निकल के आता है वो आपका 850 निकल के आएगा, और पूरी जो इनका जो मंथली एरिया निकल के आएगा वो 2,549 रुपए निकल के आएगा, 2,549 रुपए निकल के आएगा। अब बात करते हैं 23 से लेके और 28 तक की समान बेसिक है, जो कि 21,688 रुपए है, जिसका 40% डीए 9,976 रुपए बनता है। मार्च की जो भी पेंशन है वो 31,666 बनती है, और 50% डीए निकालते हैं तो 10,844 रुपए बनता है, और पेंशन जो है अप्रैल की वो 32,532 बनती है। जो डीए का डिफरेंस आता है मंथली जो भी प्रोग्रेस आपकी हुई है वो 868 रुपए की हुई है, और जो डीए का एरियर बनेगा वो 2,603 रुपए बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपके लिए ये डाटा बनाने में, इम्पोर्टेंट डाटा बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत सारा डाटा टाइप करना पड़ता है, तब जाके एक एक वैल्यू को देखना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर एक सेल में ही यहाँ पर फॉर्मूला लगे, ये फॉर्मूला बार होता है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर एक सेल में यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाने पड़ते हैं, तो टाइम जाया होता है। और जो खामा खां की वीडियो है जिनका कोई अर्थ नहीं है कि इतना पैसा हो गया, इतना एरियर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, उन पर आप लोग दबा के लाइक और शेयर करते हैं। जो काम वाली वीडियो होती है उनको आप लोग न लाइक करें न शेयर करें। तो आपसे ये हमर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक किया करो, और देख के निकल मत जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखा करो, क्योंकि इस चैनल से जो भी मिलता है वो एक डाटा, प्रूव डाटा मिलता है, सही सटीक जानकारी मिलती है। तो मिलता हूं आपसे फिर एक अगली नई टेबल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, नमस्कार, वंदे मातरम।